सो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रोपेंटो में। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग प्रीव्यू वीडियो को देखें या तो फ्रेंड्स अभी जो स्क्रीन पे वीडियो को देख रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से मेरे बीट के साथ, सॉन्ग के बीट के साथ वीडियो एडिटिंग है। अगर आप भी मेरे जैसे वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं, वीडियो पे बने रहिए और देखिए कि कैसे हम इस वीडियो को एडिटिंग किया। बहुत ही सिंपल एडिटिंग वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते हैं तो बहुत ही आसानी से आप मेरे जैसे वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं अपना खुद का फोटो से। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप मेरे जैसे वीडियो को एडिटिंग कीजिए। फ्रेंड्स मेरे जैसे वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम फ्रेंड्स काइनमास्टर। अगर आपके पास काइनमास्टर ऐप नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर लिए। इसके बाद फ्रेंड्स काइनमास्टर को ओपन करने के बाद प्लस का आइकन, प्लस का आइकन को टच करने के बाद 9016 को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन दे रहे हैं। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद एडिटिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, इसको टच करने के बाद या फिल स्क्रीन का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसको टच कीजिए। और फ्रेंड्स मेरे जैसे वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपना 18 फोटो को ले लीजिएगा और सबसे पहले 10 फोटो को आपको यहाँ देख सकते हैं डिफॉल्ट ड्यूरेशन ये फोटो क्लिप का जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे आपको 10 फोटो को 0.3 पे आप सेलेक्ट कीजिएगा। जिस तरह से हम कर रहे हैं फ्रेंड्स सेम प्रोसेस कीजिएगा, आपका बहुत ही अच्छा वीडियो बन जाएगा। इसके बाद यहाँ टिक का निशान दे रहे इसको टच करते हैं। इसके बाद अपना फाइल से फोटो को ले लीजिए जिस फोटो पे आपको वीडियो को एडिटिंग करना है। तो चलिए यहाँ फेवरेट पे सेलेक्ट करके रखे हैं इमेज को, तो यहाँ से हम 10 फोटो को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। देख सकते हैं 10 फोटो को ले लिए। इसके बाद फिर से आपको सेटिंग का ऑप्शन में जाना है, फिर एडिटिंग का ऑप्शन में जाना है। इसके बाद अबर ना आपको यहाँ देख सकते हैं 1 पे आपको रख देना है और फिर यहाँ टिक का निशान दे रहे इसको टच कीजिए। इसके बाद अबर आपको 8 फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। एकदम परफेक्ट मतलब म्यूजिक के बीट के साथ आपका बन जाएगा। अब देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा उंगली से इसको बड़ा कर लीजिए दोनों साइड स्क्रीन को टच करके। इस तरह से टच करने के बाद यहां देख सकते हैं सबसे पहले आपको फर्स्ट इमेज को टच करना है। फर्स्ट इमेज को टच करने के बाद यहां क्लिप ग्राफिक्स का जो ऑप्शन दे रहे इसको टच करने के बाद आपको यहां से एक क्लिप ग्राफिक्स को सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं इन एनिमेशन का जो ऑप्शन दे रहे इसको हम टच करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपका काइनमास्टर में इन एनिमेशन का क्लिप ग्राफिक्स नहीं है तो यहाँ देख सकते हैं गेट मोड का ऑप्शन जो दे रहा है यहाँ जाने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम इन एनिमेशन में इसमें से हम देख सकते हैं सबसे पहले हम 7 को सेलेक्ट किए थे। इसके बाद फिर सेकेंड फोटो को टच करने के बाद फिर क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन में जाने के बाद फिर से इन एनिमेशन का ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको 9 नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं 7 नंबर इधर से है और 9 नंबर इधर से है। इसके बाद ये क्लिप ग्राफिक्स लगाने के बाद आपका वीडियो बहुत ही एक अलग लेवल का बन जाएगा। तो चलिए हम फटाफट 10 फोटो में यही क्लिप ग्राफिक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 7 नंबर को सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर ये साइड वाला इमेज को 9 नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम फटाफट हम क्लिप ग्राफिक्स को लगा लेते हैं, इसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो देख सकते हैं 10 फोटो में हम क्लिप ग्राफिक्स को लगा लिए। इसके बाद फिर यहाँ देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा इमेज मेरा बड़ा है, यहाँ पे एक दूसरा क्लिप ग्राफिक्स को लगा लेते हैं। इसमें देख सकते हैं फोटो को आपको टच करना है फिर क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन में जाने के बाद फिर से आपको इन एनिमेशन का ऑप्शन में जाना है। इस क्लिप ग्राफिक्स को टच करने के बाद यहाँ देख सकते हैं हम इसमें कुछ अलग इफेक्ट को सेट किए थे। सबसे पहले यहाँ 31 का जो ऑप्शन दे रहे इसको हम टच करते हैं। इसके बाद फिर सेकंड फोटो को टच करने के बाद फिर से क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन में जाने के बाद इन एनिमेशन का ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे अब आपको इसका उल्टा सेट कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं 35 का जो ऑप्शन दे रहे इसको टच करते हैं और यही सेम प्रोसेस से आपको जितना इमेज इधर बच रहा है सेम यही क्लिप ग्राफिक्स को लगा लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ लेयर का ऑप्शन दे रहे, लेयर का ऑप्शन में जाने के बाद मीडिया से हम एक लाइट इफेक्ट टेम्पलेट वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसी में मेरा सॉन्ग भी लगा हुआ है, सॉन्ग आपको अलग से सेट नहीं करना है। अगर आपको और लंबा वीडियो बनाना है तो यही सॉन्ग को थोड़ा सा आप डाउनलोड करके आप इसको और लंबा बना सकते हैं क्योंकि ये 10 सेकेंड तक वीडियो है मेरा। इसके बाद आपको इस लाइट इफेक्ट को टच करना है वीडियो को। इसके बाद
स्प्लिट स्क्रीन का जो ऑप्शन दे रही है इसको टच करने के बाद फर्स्ट वाले को टच कीजिए, आपका फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद यहाँ ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन दे रहे इसको टच करने के बाद स्क्रीन का जो ऑप्शन दे रहे इसको टच कीजिए। सबसे पहले हम इसका सॉन्ग को म्यूट कर लेते हैं। अब चलिए हम इसको प्ले करके दिखाते कैसा बना हुआ है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा वीडियो मेरा बन गया। इस तरह बहुत ही आसानी से आप मेरे जैसे वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं।